वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवि सर्वकार्येषु सर्वदा। हाथों की लकीरों को खींच पाता मैं, अपनी तकदीर खुद ही लिख पाता मैं, खुदा से कभी शिकायत ना करता, कुछ खोकर पाने की गुजारिश ना करता। दोस्तों, मुझे पता है कि आप इस मंज़र को देखकर थोड़े से तो हैरान हैं कि आखिर में ये सब क्या है और ये दोनों शख्स कौन हैं जिनकी ज़िंदगी की कश्ती यूँ साहिल पर डूबने वाली है, या फिर ये मासूम बच्चा कौन है जो इस बूढ़े आदमी के लिए रो रहा है जिसके साए में ये पल रहा था। लो देखो, ये हम हैं जो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। आज हमारी ये हालत है, इसकी वजह सिर्फ कुदरत का हमारे साथ किया गया वो छोटा सा मजाक और इस बेदर्द समाज का भेदभाव है। जब तक मुझे इस बेमतलब और लाचारी की ज़िंदगी से आज़ादी नहीं मिल रही, चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ अपने जीवन की, शापित जीवन की। कृष्णा, इधर आओ। यस सर। यहीं खड़े हो जाओ। हेलो, मिस्टर अनुराग बोल रहे हो? जी कहिए। अनुराग जी, मैं आपके बेटे कृष्णा के स्कूल का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। बात कुछ ऐसी है, हम आपके बेटे को अपने स्कूल में अब नहीं पढ़ा पाएंगे। मगर क्यों? बात क्या, ये तो आप भी जानते हो। उसी बात को लेकर दो बच्चों घर वाले आज मेरे पास आए हैं।
और कह रहे हैं या तो आप इस बच्चे को इस स्कूल से निकालो। नहीं तो हम अपने बच्चों को इस स्कूल से निकाल रहे हैं। उनका ये कहना है अगर हमारे बच्चे उसके साथ रहेंगे तो हमारे बच्चे भी उसी की तरह हो जाएंगे। अनुराग जी आज तो सिर्फ दो ही बच्चों के घर वाले आए हैं, कल को औरों को भी पता चलेगा, वो भी इसी बात को लेकर के आएंगे मेरे पास और इसी बात को कहेंगे। सॉरी मिस्टर अनुराग, मैं एक बच्चे की वजह से और बच्चों का भविष्य खराब नहीं कर सकता। मगर इस बात के बारे में उन लोगों को कैसे पता चला? अरे बच्चों ने कुछ देख लिया होगा, वो तो समझते नहीं ये सब क्या है। उन्होंने अपने घर जाके कुछ कहा होगा, फिर तो घर वाले समझ गए ये सब क्या है। मिस्टर अनुराग ये बात तो ऐसी है, कभी ना कभी तो खुली जाती है। तो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, भेज दीजिए उसे घर। कृष्णा अब हम तुम्हें इस स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, तुम अपने घर जा सकते हो। अखिलेश। यस सर। इस बच्चे को जरा बाहर तक छोड़ दो। सुनो सुनो मेरे दोस्तों, आज तुम्हें कृष्णा के बारे में एक बार बताता हूँ। आओ जल्दी जल्दी मेरे पास आओ। पूजा। हाँ जी कहिए, क्या बात है, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? तुम्हें पता है कृष्णा के प्रिंसिपल का फोन आया था, उसे स्कूल से निकाल दिया और घर भेज दिया है। मगर क्यों? सब कुछ जानती हो फिर भी पूछ रही हो क्यों? भाई हुआ जो होना था, सोनू और अतुल ने कुछ देख लिया होगा, घर जाके कुछ कह दिया होगा। वो तो कुछ जानते नहीं है, उनके घर वाले समझ गए और आगे इस बात को लेकर स्कूल में और प्रिंसिपल से कह रहे थे या तो इस बच्चे को स्कूल से निकालो नहीं तो हम अपने बच्चों को स्कूल से निकाल रहे हैं। और प्रिंसिपल का ये कहना है आज तो दो बच्चों के घर वाले आए हैं, कल को और बच्चों के घर वाले भी आएंगे, इसलिए मैं एक बच्चे की वजह से और बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं डाल सकता हूँ, इसलिए इसे स्कूल से निकाल दिया है। और वो दोनों आदमी इस बात को पूरी कॉलोनी में फैला देंगे। इस लड़के की वजह से मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, जिस बात का मुझे शुरू से डर था वही हो गई मेरे साथ। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान किधर है? आ गया तू, ले जाओ इसे मेरी आंखों के सामने से, नहीं तो यहीं इसकी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। आज के बाद ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये घर के बाहर ना निकले। अगर ऐसा हुआ तो तुम सोच लेना, वो होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। माँ आज मैं तुमसे एक बात पूछूं। हाँ पूछो, क्या बात है? माँ मेरे अंदर ऐसी कुछ तो कमी है, इसलिए तो बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, और इसी कमी की वजह से मुझे स्कूल से भी बाहर निकाल दिया गया। पापा भी हमेशा मुझसे नाराज रहते हैं, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। माँ बताओ ना क्या बात है,
मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, जल्दी से सो जाओ, रात बहुत हो गई है। नहीं माँ, आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा, तुम्हें मेरी कसम। बताओ ना माँ, क्या बात है? बेटा आज से 10 साल पहले की बात है, जिस समय तुम्हारा जन्म होने वाला था मैं डिलीवरी रूम में थी। राहुल जरा फोन तो लगा अनुराग के लिए, कितना समय लगेगा उसको आने में? जी मैं अभी लगाता हूँ। हाँ राहुल, क्या कह रहे हो? कहाँ आ गए भैया? मैं हॉस्पिटल में ही हूँ तुम्हारे पीछे। कहाँ रह गया था तू, इतनी देर कहाँ लगा दी? माँ वो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी ना, इसलिए टैक्सी से आने में थोड़ा समय लग गया। पूजा कहाँ है? आप में से अनुराग दीक्षित कौन है? जी कहिए। मिस्टर दीक्षित, आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलिए। मिस्टर दीक्षित, आपके साथ एक प्रॉब्लम हो गई है। मतलब? बात यह है मिस्टर दीक्षित, आपकी वाइफ ने जिस बच्चे को जन्म दिया है उसका जेंडर ना तो मेल है ना फीमेल, वो एक किन्नर है। क्या? ये सच है मिस्टर दीक्षित? क्या बात है अनुराग? माँ इस बच्चे को मैं घर नहीं ले जाऊंगा, इसे मार डालो या फेंक दो किसी कचरे में, किसी भी हालत में इस बच्चे को घर नहीं ले जाऊंगा। लेकिन क्यों, ऐसी क्या बात है? पूजा ने जिस बच्चे को जन्म दिया है वो किन्नर है। क्या? क्या? मैं नहीं चाहता कि इस बच्चे की वजह से मेरे परिवार का और मेरा नाम खराब हो इस समाज में। अपनी हंसी और बेइज्जती का कारण नहीं बनने दूंगा इस बच्चे को मैं, इसलिए मैंने ये फैसला किया है। फिर क्या हुआ माँ? फिर तुम्हारे चाचा और तुम्हारी दादी ने तुम्हारे पापा से कहा, बच्चा हमारे घर का है, हमको उसे पालना पड़ेगा, हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, इसमें उसका क्या दोष है, वो तो निर्दोष है, दोष तो कुदरत का है जिसने उसके साथ ऐसा मजाक किया है, और इस तरह तुम्हारे पापा को समझाया और वो तुमको घर ले आए। मैं भी खेलने चलता हूँ, माँ तो मंदिर गई है और पापा तो पीछे वाले दरवाजे पर हैं, मैं आगे वाले दरवाजे से चलता हूँ। पापा को पता भी नहीं चलेगा और मैं थोड़ी देर में खेलकर वापस भी आ जाऊँगा। एक सेकंड रुकना, देखना रिक्की है, कृष्णा ही है ना? लग तो भैया कुछ ऐसा ही रहा है, ये वही है ना जिसकी शिकायत आप स्कूल में करने गए थे? जरा गाड़ी वहां लेना।
खेल भी तो हमारे लड़कों के साथ रहा है। तुम दोनों क्या कर रहे हो इसके साथ में? हम थोड़े ना खेले इसके संग में, ये हमारे साथ खेलने आया है। क्यों बे, क्यों आए इनके संग खेलने तू? तेरे बाप ने मना नहीं किया इनके संग खेलने के लिए? ले चलो इसको इसके बाप के पास, आज बाप बेटे दोनों को ही देख लेते हैं। तुम दोनों अपने घर चलो। आज साला या तो ये रहेगा या फिर इसका बाप रहेगा। अनुराग, अनुराग चलो वहां निकल। आज साला फैसला ओके ही रहेगा। क्या बात है, क्या बात है? तेरी आंखों में शराब नाम की चीज है भी या नहीं? तभी तो इतना कुछ हो जाने के बाद भी इस किन्नर को हमारे बच्चों के संग खेलने भेज दिया है। अगर तेरी औलाद हमारे बच्चों के संग खेलेगी तो उन्हें भी अपने ऐसे कर देगी। आज के बाद ये हमारे बच्चों के साथ ना खेले, इस बात को अपने भेजे में डाल ले। बात भेजे में डाली या नहीं? ये सब क्या है? हाँ, इंसानों की जानवर, इंसानों ना, ये कौन है? ये इंसान नहीं है। हमको और तुमको तो भगवान ने बनाया है, इसे किसने बनाया है? क्या इसे भगवान ने नहीं बनाया? हमारी तुम्हारी नसों में जो खून बहता है, क्या इसकी नसों में वह खून नहीं बहता है? क्या ये खेल नहीं सकते? कहाँ लिखा है ये पढ़ नहीं सकते? क्या इन्हें संसार में जीने का हक नहीं है? और वैसे भी तुम कौन होते हो इसके जीने मरने का फैसला करने वाले? भैया, भैया एक शब्द भी मत निकालना अपनी जबान से। आज तक तुम्हारी सुनने के कारण ये इतनी बड़ी बात हो गई है। अब तू एक मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अगर तुझे इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, वरना ये गेट खुला है। अपने बोरिया बिस्तर बांध और दफा हो जाए यहां से।
आज तुझसे ये बात बोलते बोलते कितने दिन हो गए कि कहीं काम तलाश ले, मगर तेरे पे इस बात का कोई असर नहीं होता है। तो ये तो रोज रोज सुनने में कोई शर्म नहीं आ रही है, लेकिन इस बात को बोलने में आज मुझे शर्म आ रही है। क्यों ये तू घर पर बैठे बैठे हराम की रोटियां ना तोड़, जा कहीं पर कुछ काम ढूंढ ले। और बिना पैसों के इस घर में कदम मत रखना। कृष्णा, अब तुझे तब तक घर नहीं जाना है जब तक तुझे कोई काम ना मिल जाए, क्योंकि घर में रहने के लिए पैसे चाहिए और पैसे काम करके ही मिल सकते हैं। बिना पैसों के वहाँ हराम की रोटी तोड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। और वैसे भी मेरी वजह से माँ पापा को तब से झेल रही है जब से मैं पैदा हुआ हूँ। मेरे घर छोड़ने में पापा को सुकून है, पापा को सुकून होगा तो माँ को ताने नहीं मिलेंगे। जिसमें माँ को सुकून है और इसी में मेरा सुकून है। सर, 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 क्या बात है सर? मुझे यहाँ कोई नौकरी मिल सकती है? बिल्कुल ही अनपढ़ गवारो, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, अभी और इसी बार निकलो यहां से ऑफिस से बाहर। भैया, 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 कुछ काम मिल सकता है आपकी दुकान पर मुझे? नहीं बहन जी, हमारे पास कोई काम नहीं है आपके लिए।
अरे भाई कैसे खड़े हो, इधर आओ। कैसे खड़े हो, क्या बात है भैया? कुछ काम मिल सकता है मुझे आपके यहाँ पर? अरे भाई अपने ढाबे पर तो हम खुद ही नौकरी हैं, तुम्हें क्या नौकरी देंगे? सुनो इधर आओ, तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा, फालतू में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? इससे अच्छा तो तुम किसी नाच मंडली में शामिल हो जाओ, तुम्हारे लिए तो वही अच्छा है, कम से कम 4 पैसे तो मिलेंगे। वो दिन भी कैसा दिन था कि मेरी जेब में 2 रुपये भी नहीं थे जिससे मैं अपना पेट भर सकूं, और ना कोई 2 रुपये कमाने का जरिया था मेरे पास। भैया एक रोटी मिल जाएगी क्या? अरे बेटा क्या हुआ?
लो बेटा लो रोटी लो। उस दिन मैं एक तो चाचा की उस हालत को देखकर हैरान था और परेशान भी था कि आखिर मैं जिंदगी मुझे किस मोड़ पर ले आई है। बस दिल एक ही बात बोल रहा था कि कृष्णा तुझे अब चाचा की जिंदगी के लिए मुसीबत नहीं बनना है, भलाई इसी में है कि मैं उनके लिए अजनबी बन जाऊं। दादा 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 कृष्णा अरे कहाँ जा रहे हो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? पवन नाम है मेरा। घर कहाँ है तुम्हारा? अगर घर ही होता तो इस तरह यूं भूखा ना भटक रहा होता। बेटा आज से तुम मेरे पास रहोगे, आओ अपने घर चलते हैं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं तो बचपन से अनाथ हूं। बस इस बेबसी और लाचारी की जिंदगी को अपने कंधों पर इधर से उधर ढो रहा हूं। आज के बाद इस बात को दोबारा मत भूलना कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि अब से तुम मेरे हो। लो अपना घर आ गया। आओ आओ चलो चलो। आओ आओ चलो चलो। बेटा तुम वहां आराम कर सकते हो, मैं थोड़ा बच्चों को पढ़ा लेता हूं। छोटिए से बड़िए से छोटियों से बड़ियों से छोटी अंग से बड़ी अंग खासे कबूतर खासे कबूतर खासे खर।
पवन। क्या बात है, क्यों परेशान हो? दादाजी ये बच्चा कौन है? क्यों, क्या हुआ? नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा था, सभी बच्चे चले गए लेकिन ये बच्चा अभी भी आपके पास है। इस बेचारे के साथ में कुदरत ने बहुत ही बुरा मजाक किया है। इसकी जिंदगी ऐसी है जैसी मानो माली से बिछड़ा हुआ एक फूल। दादाजी मैं कुछ समझा नहीं। आज से 10 साल पहले की बात है, मैं भी एक परिवार का हिस्सा था और मेरे उस परिवार का एक हिस्सा मेरा भतीजा भी था। मैं उससे बहुत प्यार करता था और मैं उसे हमेशा सपोर्ट भी किया करता था। बस यही बात मेरे भाई को अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि इसकी वजह मेरे भतीजे के साथ हुआ कुदरत का वह मजाक था जिसकी सजा मेरे भाई को मिल रही थी, ऐसा मेरे भाई को लगता था। इसलिए वो अपनी सारी गुस्सा उस मासूम पे निकालते थे और उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते थे और मुझ पर यह सब सहा नहीं जाता था और मेरे भाई को मेरा पारिवारिक मामले में बोलना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने वो घर छोड़ दिया। फिर क्या हुआ? मैं फिर घर से अलग रहने लगा, फिर मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से मेरे पास जो भी पैसा था वो इस पैर में लग गया। मेरे पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और कोई काम करने के लायक मेरा शरीर भी नहीं था। और फिर एक दिन मुझे मेरा किसना मिला था, इसके भी साथ कुदरत ने वही मजाक किया था जो मेरे भतीजे के साथ किया था। ये किसी की जिंदगी का कांटा ना बने इसीलिए एक दरिंदा इसे झाड़ियों में फेंक गया था और बस उसी दिन से ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। पता है मैंने इसका नाम कृष्णा क्यों रखा? क्योंकि मेरे भी भतीजे का नाम कृष्णा था और मैंने उसी दिन ये फैसला कर लिया कि मैं वो हर खुशी इसको दूंगा जो मैं अपने भतीजे को नहीं दे पाया। मैं इसको लेके स्कूल में भी गया पढ़ाने के लिए मगर वहां पढ़ाने से इसको मना कर दिया क्योंकि ये एक किन्नर है। इसलिए मैं इसे और यहाँ के कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाता हूँ क्योंकि वो जिंदगी में बड़े होकर कुछ बन सके। बेटा तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे? दादाजी मेरी जिंदगी की कहानी मानो एक फटी हुई किताब है। दादाजी आज से मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है और जिस दिन वो लक्ष्य मेरा पूरा हो जाएगा मैं अपने बारे में आपको सब कुछ बता दूंगा। बेटा ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुदरत ने वही मजाक तुम्हारे साथ किया है। बेटा एक बात और कि जो तुम मुझसे रोटी की भीख सी मांग रही थी ये गलत है, मुझे अच्छा नहीं लगा। इस जमाने से कुछ भी मांगो भीख की तरह नहीं, अपने हक के लिए, हक के लिए। कृष्णा यहाँ तो सिर्फ एक ही बच्चा है, न जाने समाज में और ऐसे कितने बच्चे होंगे।
जिनके लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं आज से ये शपथ लेता हूँ कि मैं एक ऐसा स्कूल बनाऊँगा जिसमें हमारे जैसे बच्चे पढ़ सकें, और इसके लिए मुझे पैसा चाहिए। अब मुझे वो काम करना है जो मैं कभी नहीं करना चाहता था। अब मुझे हमारा हक इस समाज से लेना ही होगा। राजी राजी गैर राजी। कृष्णा, दादा कहाँ हैं? सब्जी लेने आए हैं। Thank you.
कृष्णा, तूने जो इन कुछ दिनों में जो भी पैसे इकट्ठे किए हैं, ये पैसे इतने नहीं हैं कि इसके हिसाब से आने वाले समय में जल्द से जल्द स्कूल बना लिया जाए और फिर मैं किन्नर बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जल्द से जल्द स्कूल बनाने के लिए किन्नरों के साथ टोली बधाई में शामिल हो गया। दादा, 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 पवन, तुम पवन ही हो ना? उस दिन अचानक कहाँ चले गए थे तुम बिना कुछ बताए? आइए आइए, मेरे साथ आइए। कहाँ? आइए तो सही, कुछ बताओगे भी कहाँ ले जा रहे? आइए, मुझे कुछ दिखाना है। दादाजी, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मुकाम हासिल हो गया। अब किन्नर बच्चों की भी शिक्षा दीक्षा अच्छी तरह से हो पाएगी, अब वो भी पढ़ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। कल मानवाधिकार दिवस है और कल ही हमें इस स्कूल की ओपनिंग करनी है। मैं मंत्री जी के यहाँ जा रही हूँ स्कूल की मान्यता की बात करने के लिए। लगे हाथों में मंत्री जी को चीफ गेस्ट के तौर पर निमंत्रण दे आऊंगी, आप यहीं रुको। ठीक है। दादाजी, दादाजी ये फोन अपने पास रखो। इस फोन में कृष्णा दीदी के नाम से मेरा नंबर सेव है, अगर कोई बात हो तो मुझे इस नंबर पे आप कॉल कर लेना। ठीक है? ठीक है, ठीक है। अब मुझे बस कल का इंतजार है, क्योंकि कल मेरी जिंदगी का सपना पूरा होने जा रहा है। कल इस स्कूल की ओपनिंग होते ही मैं चाचा जी को सब कुछ सच सच बता दूंगा कि मैं ही तुम्हारा भतीजा हूँ। हेलो बहन जी, कहाँ घुसी चली जा रही हो बिना किसी से पूछे? किससे मिलना है? मंत्री जी से मिलना है। और किससे मिलना है? क्या काम है मंत्री जी से? पहले उन्हें बताना पड़ेगा। उनसे कहो एक स्कूल की मान्यता के लिए हमें बात करनी है। हेलो सर, आपसे कोई मिलने आई है और कह रही है कि स्कूल की मान्यता के लिए आपसे बात करनी है। ले आओ अंदर, ले आओ। ओके सर, आइए मेरे साथ। तुम जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, क्या हुआ उस प्रॉपर्टी का? तो आपको ध्यान है? सर कहो क्या बात है? मंत्री जी, हमने एक स्कूल खोला है किन्नर बच्चों के लिए। मैं ये चाहती हूँ आप इस स्कूल को सरकारी मान्यता दिला दें। किन्नरों का स्कूल? किन्नरों का? जी हाँ हाँ, किन्नरों का स्कूल मंत्री साहब। ठीक है, हम तुम्हारे स्कूल के लिए मान्यता दिलवा देंगे, मगर उसके लिए कुछ खर्चा हो। कहिए कितने पैसे लगेंगे? कम से कम 50,000 रुपये लगाएंगे।
नमस्ते, मैं चलती हूँ। हाँ तो सत्यकांत जी, हम किस मैटर में बात कर रहे थे? अरे एक बात तो मैं भूल ही गई, कल सुबह हमारे स्कूल की ओपनिंग है, मैं चाहती हूँ आप हमारे स्कूल में चीफ गेस्ट के तौर पर आएं। कल कितने बजे आना है? कल सुबह 10 बजे आना है आपको। ठीक है, हम पहुँच जाएंगे। नमस्ते। हाँ दादाजी। बेटा तू कहाँ है? यहाँ जल्दी आ जा, यहाँ पर कुछ गुंडे लोग आ गए हैं और वो ये कह रहे हैं इस जमीन पर जो स्कूल बनाया है वो जमीन हमारी है, और यहाँ पर ये तुम्हारा स्कूल नहीं, हमारी शराब की दुकान खुलेगी। ठीक है, आप रुको वहीं, मैं आती हूँ अभी। क्या गुड्डे, किससे पूछ के बनाया तुमने ये स्कूल? ये जमीन हमारी है और हम अपनी जमीन पर कुछ भी बनाए, और तुमसे पूछ कर? ओहो, पुट्टा बोलता भी है, क्या बात है। दूर हो जा दादाजी से, नहीं तो उसी मिट्टी में मिला दूंगी जिस मिट्टी पर तू खड़ा है। दूर हो जा इन भाड़े के टट्टुओं को लेकर, वरना वरना क्या कर लेगी तू मेरा? देखना चाहता है तू, क्या कर सकती हूँ मैं, दिखाऊंगी तुझे। बस एक बार इस स्कूल की ओपनिंग हो जाने दे, फिर देख मैं क्या कर सकती हूँ। देखते हैं कल इस जमीन पर तेरा ये स्कूल चालू होता है या फिर कल इस पर तेरी कब्र खुदती है, और साथ में इस बुड्ढे की भी। तू क्या, तेरा बाप भी कल इस स्कूल की ओपनिंग को नहीं रोक सकता, क्योंकि इसकी ओपनिंग के लिए खुद सत्यकांत मंत्री आ रहा है। कृष्णा, कृष्णा, हर हर महादेव। हर हर महादेव, कहो कैसे याद किया? सर जी आपके लिए काम आया है इसलिए याद किया। हुक्म करो, क्या काम है? सर जी वो जो सुल्तानपुर वाली जमीन है उसको एक किन्नर ने खरीद कर उस पर एक स्कूल बना लिया है, और वो जमीन मुझे हरालत में चाहिए, और उसको खाली कराने से लेकर पेपर मेरे नाम कराने तक का जिम्मा आपका है, चाहे मुझे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े मैं तैयार हूँ। हो जाएगा तुम्हारा काम, 10 लाख रुपए लगेंगे। तो ठीक है, मैं 10 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। ठीक है, आपसे 2 घंटे बाद, ठीक 10 बजे पैसे लेकर उसी स्कूल पर मिलना। हाँ लॉरेंस भाई, फरमाइए क्या काम है? मेरी टेबल पर रुपयों का एक पार्सल रखा है, मेरा एक आदमी 10 मिनट में गोकुल बैराज पहुंच रहा है, वो पार्सल उस तक पहुंचना है। चलो ठीक है, आप भेजो अपने बंदे को, मैं पहुंच रहा हूँ।
लॉरेंस भाई, कहाँ है तुम्हारा बंदा? मुझे तो कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। बस एक दो मिनट में पहुँचने वाला ही होगा। ब्लैंक प्लेट की वाइट स्टार सिटी लेके आएगा। ऐसा कौन सा सब काम करने जा रहे हो भाई? कुछ हमको भी बता दिया करो, आखिर में हम भी तो तुम्हारे छोटे भाई हैं। सैम, वो क्या है ना, मुझे एक स्कूल में दान देना है। जान लेने वाले भी दान देने लगे, क्या बात है। पहले देना दान, फिर लेना उसी की जान, यही हमारा उसूल है। लो आ गया तुम्हारा बंदा। पहुंचा देना। हेलो दादाजी, मैं पवन बोल रही हूँ। मैं पूजा का सामान लेकर स्कूल पहुँच गई हूँ। आप कृष्णा को लेकर जल्दी से स्कूल आ जाओ। मंत्री जी कुछ देर में आते होंगे। ठीक है। तोड़िए स्कूल। हर महादेव, हर हर महादेव। आपकी डिमांड के अनुसार पूरे 10 लाख हैं। क्योंकि इसकी ओपनिंग के लिए खुद सत्यकांत मंत्री आ रहा है। हेलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सर जी, आपके लिए काम आया है, इसलिए याद किया। हुक्म करो, क्या काम है? सर जी, वो जो सुल्तानपुर वाली जमीन है, उसको एक किन्नर ने खरीद कर उस पर एक स्कूल बना लिया है, और वो जमीन मुझे हर हालत में चाहिए। और उसको खाली कराने से लेकर पेपर मेरे नाम कराने तक का जिम्मा आपका है। चाहे मुझे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं तैयार हूँ। हो जाएगा तुम्हारा काम, 10 लाख रुपए लगेंगे।
पीट, अब पीट न ताली। देख ये वही मिट्टी है जिसमें मैं खड़ा था और आज भी खड़ा हूँ, और इसी मिट्टी में तू मुझे मिलाने की बात कर रहा था। आज देख जमीन भी तेरी है और मिट्टी भी तेरी है, और इसमें मिला कौन तू? दिखाऊंगी तुझे क्या कर सकती हूँ मैं। अब दिखा ना, दिखा भाई, भाई। लो भाई जलाकर इसको राख कर दो। ओए रुक, ओए ओए रुक, रुक, ओए रुक, ओए पवन, ओए बस यही छोटी सी कहानी है हमारी जिंदगानी की। इस जिंदगी में बस हमसे ये गुनाह हो गया कि हमने सपने देख डाले अपने अधिकारों के, अपने हक के, और जब हमने इन सपनों को साकार करना चाहा तो इन समाज के ठेकेदारों ने उन्हें अपने कदमों तले रौंद डाला और हमारे साथ ऐसा सुलूक किया। और दूसरी तरफ ये मासूम बच्चा जिसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है, इसने ऐसी कौन सी खता कर दी जो इसे उसकी इतनी बड़ी सजा दी गई है। उस शख्स को ही मार डाला जिसके साए में ये पल रहा था। चलो कोई बात नहीं, नहीं। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ मुझे इस जिंदगी से आज़ाद करने के लिए, मगर गम है तो बस इस बात का, अगर ये स्कूल खुल जाता तो मेरे जैसे किन्नर बच्चों की शिक्षा दीक्षा अच्छी तरह से हो पाती, वो भी पढ़ लिख कर अपने जीवन में कुछ कर जाते और अपने हक के लिए इस समाज से लड़ जाते।
है।